हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तीस्ता किचन। आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस हलवे को बनाएंगे। आज हम गाजर का हलवा बनाने का बहुत ही आसान रेसिपी देखेंगे। इसमें मैंने कोई मावा का यूज नहीं किया है, पर स्टिल ये खाने में बहुत यम्मी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने 1 kg गाजर लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके ऊपर का हल्का हल्का छिलका निकाल देंगे। तो मैं पीलर की मदद से निकाल रही हूँ। तो मैंने सारे गाजर का छिलका को निकाल दिया है। अब जो ये वाला हिस्सा है गाजर का, उसे भी हम निकाल देंगे। तो चाकू की मदद से आप सारे गाजर का निकाल दें। यहाँ पे मैंने सारे गाजर का निकाल दिया है। नेक्स्ट हम ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक पॉट लिया है, इसमें जो हमने ग्रेट करके गाजर रखा था उसे डाल देंगे। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 लीटर दूध। हाँ, जितना गाजर है आप उतना ही दूध को ऐड करें। तो मिल्क को ऐड करने के बाद हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो फ्लेम को हाई रखें और इसमें एक बॉयल आने दें। तो आप देख सकते हैं कि मिल्क में बॉयल आ गया है। अब हमें मिल्क को कम्प्लीटली सुखाना है। फ्लेम को हाई रखेंगे और मिल्क को सुखाएंगे। बस बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे तले में सट सकता है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिल्क हमारा कम्प्लीटली सूख चुका है। तो एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार अच्छे से चीनी को हलवे में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इलायची डालना है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 इलायची को क्रश करके ले लिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने की वजह से इसमें काफ़ी सारा पानी हो गया है, तो इस सारा पानी को हमें एकदम सुखा लेना है। हाई फ्लेम पे ही हम इसे सुखा लेंगे। बस ध्यान रखना है हमें कि ये सटे नहीं नीचे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी कम्प्लीटली सूख चुका है और ये जो हमारा हलवा है काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 कप घी। ये देसी घी है। इसी स्टेज पे हम घी को डालेंगे। इस स्टेज पे घी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसी स्टेज पे घी को डालें। थोड़ा सा घी बच गया है जिसे मैं बाद में डालूंगी। घी डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे। इस समय पे घी डालकर हलवा को भूनने से बहुत ही सोंधा सोंधा सा खुशबू और टेस्ट आता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम बाकी का बचा हुआ भी घी डाल देंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और भून लेंगे। तो हमारा क्विक फटाफट नो झंझट वाला हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैं डाल रही हूँ थोड़े से कैश्यू, 2 चम्मच, 2 बड़ा चम्मच मैं कैश्यू डाल रही हूँ। किशमिश डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच। यहाँ पे मैं आलमंड्स डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच, जिसे मैंने काट लिया है। पिस्ता डाल रही हूँ, इसे भी मैंने काट लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ करके ही ड्राई फ्रूट्स को ऐड करें, इससे ड्राई फ्रूट्स का क्रंचीनेस बरकरार रहता है। तो चलिए अब इस हलवे को सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेट लिया है, उसमें हम इस हलवे को निकाल लेंगे। अब इसे हम थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। अगर आपको मेरी ये झटपट गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।